पानी की लड़ाई से शुरू हुई जंग अब बॉर्डर से होते हुए ईरान और अफगानिस्तान पर काले साए की तरह मंडरा रही है, या यूं कहें कि दोनों देशों की तरफ से एक भी चूक एक नया युद्ध शुरू कर सकती है। लेकिन इस सब के बीच बॉर्डर पर शांति बहाली को लेकर कोशिशें भी हुई हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। और इसी को लेकर ईरान के लॉ इन्फोर्समेंट फोर्स के डिप्टी कमांडर कासिम रेजई कह रहे हैं कि तालिबान के सत्ता में आने से पहले अफगान सरकार से हमारी अच्छी बातचीत होती थी, हम संयुक्त रूप से बॉर्डर की समस्याओं को सुलझाते थे, लेकिन अब तालिबान के सरकार में आने से वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हमने उनके साथ तेहरान, काबुल और बॉर्डर पर कई बैठकें की, लेकिन अभी तक समस्याएं हैं, क्योंकि तालिबान फोर्स बॉर्डर पर किसी भी जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा ईरान ने यह भी कहा कि तालिबानी लड़ाकों को अनुभव नहीं है और वो असंगठित हैं, जिसकी वजह से बॉर्डर पर गैर परंपरागत कार्यों में लगे हुए हैं। खैर, ये तो रही बॉर्डर की बात, लेकिन ईरान और तालिबान के राज में एक चीज कॉमन है, वो है महिलाओं की स्थिति। दोनों देशों में महिलाओं पर बर्बर तरीके से जुल्म ढाए जा रहे हैं। ईरान हो या अफगानिस्तान, दोनों ही देशों में महिलाओं की स्थिति बेहद ही भयावह है। एक तरफ जहां ईरान हिजाब का विरोध करने वाली प्रदर्शनकारी महिलाओं को फांसी पर चढ़ा रहा है, तो वहीं तालिबान शिक्षा की मांग करने वाली लड़कियों को जहर दे रहा है। हाल ही में ईरान में दो महिला पत्रकार निलुफर हमीदी और इलाही मोहम्मदी के ऊपर एक तरफा ट्रायल शुरू किया गया। दोनों महिला पत्रकारों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा ठोक दिया गया। वहीं अफगान की बात करें तो यहां पर पहले से कक्षा 6 से ऊपर के स्कूल महिलाओं के लिए बंद कर दिए गए, और फिर धीरे धीरे सरकारी और प्राइवेट संस्थानों से महिला कर्मचारियों को नौकरी में बैन कर दिया गया, और अब अफगानिस्तान में 80 स्कूली छात्राओं को जहर दिया गया है। ये किस्सा सरेपुल प्रांत का है, जहां पर स्कूली छात्राओं को जहर दिया गया है। नसवाने काबेद आब स्कूल में 60 छात्राओं को जहर दिया गया, और नसवाने फैजाबाद स्कूल में 17 अन्य छात्राओं को जहर देने की घटना सामने आई है। हालांकि इतने बड़े मामले में स्थानीय प्रशासन किसी आपसी रंजिश की बात कह रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर में ईरान में भी स्कूली लड़कियों को जहर देने की एक घटना सामने आई थी, जिसकी वजह से छात्राएं गंभीर रूप से बीमार हो गई थीं।